रहमान रहीम। आज हम कीमा करेले बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो कीमा करेले लेके उनको नमक लगा के 15 मिनट के लिए रख के इस साइज में काट के ना 15 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया और इनको अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया। और 3 प्याज है जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया, और 1/2 किलो कीमा है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच जीरा और धनिया पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्चे और 1 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि इसमें नमक पहले करेलों में है, करेलों में डाला था, तो इस वजह से इसमें हम सिर्फ 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल फ्राई करने के लिए डालेंगे। थोड़े थोड़े करके करेले मैं फ्राई कर लेती हूँ। निकाल लेते हैं। करेले फ्राई करके मैंने सारे निकाल लिए। अब हम कीमा बनाते हैं, जिसके लिए मैं इसी तेल में से एक चम्मच भर के कढ़ाई में डालती हूँ, और कटा हुआ प्याज डालकर इसको ढाँक देते हैं 2 मिनट के लिए। टमाटर डालेंगे, जो मैं आपको बताना मैं तो भूल गई थी, 1 अदर टमाटर लेके मैंने उसको काटा है स्लाइसेस में। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और बाकी सारे मसाले, ये सारे मसाले हम डाल देंगे। और ये 1 अदर नोर क्यूब है, जो ये भी मैं पहले बताना भूल गई थी, तो ये हम कीमे में डालेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि प्याज वगैरह गल जाए अच्छी तरीके से। बाद प्याज वगैरह मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया, अब इसमें हम कीमा डालते हैं 1/2 kg जो है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी का ऐड करके एक मैगी क्यूब इसमें ऐड कर देते हैं, और उसके बाद फिर मैं 1/2 गिलास के करीब और पानी डाल के इसको भूनूंगी अच्छी तरह। पकने तक छोड़ देंगे फिर हम। अब इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करके हम पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। कीमे को 10 मिनट तक इसको कीमे को मैंने पका लिए। अब कीमा इस हालत में आ गए, अब हम इसमें करेले ऐड करते हैं और 3-4 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। मेरे बच्चों ने करेले खा लिए, इसलिए मुझे ना कीमा निकालना पड़ा। अब इस पे हम धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के दम पे रख देते हैं। अरे अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कीमा करेले तैयार हैं। अब इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।